नमस्कार, निर्मल स्मार्ट किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के अप्पे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। इसे हम कम तेल में बनाएंगे, जो हेल्थी होने के साथ साथ टेस्टी भी हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बनाना शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सूजी के अप्पे बनाने के लिए बैटर तैयार करते हैं। एक बाउल लें, उसमें 250 ग्राम सूजी डालें। हमने जितनी सूजी ली है उससे हाफ दही ली है, यानी 125 ग्राम दही ली है। सूजी और दही को अच्छी तरह मिला लें। इसमें हम थोड़ा पानी भी डालेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। सूजी के अप्पे बहुत ही टेस्टी और हेल्थी होते हैं। इसमें हाफ कप पानी डालकर हमने ये बैटर तैयार किया है। अब इसको ढककर आधे घंटे के लिए रख दें। इसको हेल्थी बनाने के लिए हम इसमें सब्जियां भी मिलाएंगे। हमने एक प्याज बारीक कटा हुआ, टमाटर, शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, अदरक और एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है। सब्जी आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं। जो आपको ज़्यादा पसंद हो वो सब्जी आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आधा घंटा हो गया है, आप प्लेट उठाकर देखते हैं। देखिए, सूजी फूल गई है और अप्पे का बैटर सख्त हो गया है। अब इसको थिन करने के लिए इसमें पानी मिलाते हैं। हमें अप्पे का बैटर ज़्यादा पतला नहीं करना है, अप्पे का बैटर थोड़ा गाढ़ा ही रखना है। अब इसमें कटी हुई सब्जियाँ डाल देते हैं। सब्जियाँ आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर सब्जियाँ ना हो तो आप खाली प्याज से भी अप्पे बना सकते हैं। इसे हम कम तेल में बनाएंगे, जो हेल्थी होने के साथ साथ टेस्टी भी होते हैं। जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है। अब सारी सब्जियों को बैटर में मिला लेते हैं। बैटर में सब्जियाँ मिलाने के बाद अब तड़का तैयार करते हैं। एक तड़का पैन लें, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तेल को अच्छी तरह गर्म करके गैस बंद कर दें। अब उसमें सरसों के दाने डालें। आप सरसों की जगह राई भी ले सकते हैं। सरसों के तड़कने के बाद अब इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दें। अब इस तड़के को अप्पे के बैटर में डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला लें। ऐसे तड़का डालने से इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालें। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डालें। मीठे सोडे की जगह आप बेकिंग पाउडर या इनो भी ले सकते हैं। फूले फूले अप्पे बनाने के लिए हमने मीठा सोडा का यूज़ किया है। सूजी के अप्पे हम अप्पे पैन में बनाएंगे। इस तरह का अप्पे पैन आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अप्पे पैन को लो टू मीडियम गैस पर गर्म करें। अप्पे पैन को ब्रश से ग्रीस कर लेते हैं। अब इसमें 1-1 चम्मच बैटर डालें। ये बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाते हैं। पैन में जो मोल्ड दिए हुए हैं उसे ऊपर तक भर लें। देखिए, जैसे मैं भर रही हूँ ऐसे ही भरना है। अगर हम मोल्ड को कम भरेंगे तो अप्पे छोटे बनेंगे, अगर हम और फुल भरेंगे तो अप्पे बड़े बड़े और फूले फूले बनेंगे। अब पैन को ढक दें और अप्पे को 2-3 मिनट तक पका लें। हमें पैन को लो गैस पर ही रखना है। 3 मिनट के बाद खोल कर देखें। देखिए, ऊपर से सिक गए हैं। अब ऊपर से हल्का सा ग्रीस कर दें और इन अप्पों को कांटे या चम्मच की सहायता से पलट लें। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, वाओ। अब एक एक करके इनको पलट दें। देखिए, सारे अप्पे पलट दिए हैं। देखिए कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। अब इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए और पका लें। 2 मिनट के बाद देखें, अप्पे सिक गए हैं। देखिए, पलट कर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए, सारे अप्पे बन गए हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। हमने इन अप्पों के लिए बहुत ही कम तेल का यूज़ किया है। अगर अप्पे का बैटर बच जाए तो आप इसे बाद में भी बना सकते हैं। अगर आपने इनो का यूज़ किया है तो आप ये बैटर रख नहीं सकते, आपको अप्पे साथ ही बनाने होंगे। देखिए, सारे अप्पे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं एक बार और आपको बना के दिखाती हूँ। पैन को हल्का सा ग्रीस करें और उसमें अप्पे बैटर डाल दें। ढककर 2-3 मिनट के लिए रख दें। 2-3 मिनट के बाद देखें कितने क्रिस्पी हो गए हैं। पहले की तरह ऐसे ही सारे अप्पे बना लें। देखिए, मैं अप्पे को तोड़ के दिखाती हूँ। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट बने हैं। कितने कलरफुल लग रहे हैं। आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ सर्व करें।
अगर आप मेरी हरी चटनी की रेसिपी देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।